शाही टुकड़ा एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है और साथ में ये बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो इसमें जो मेन फ्लेवर होता है वो रबड़ी से आता है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम शाही टुकड़ा बनाने वाले हैं, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को स्लाइसिस में कट कर लेंगे। आप इसको इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लें, आप इसको बीच में से भी कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। और अब हम इनको एक पैन पे थोड़ा सा सेक लेंगे, उससे हमें फ्राई करने में आसानी होती है। थोड़ा ही सेकें, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए दोनों तरफ से हम इसको सेक लेंगे। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड्स को सेक लेंगे। और अब हम एक पैन में घी को गरम कर लेंगे अच्छे से। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और उसमें जो हमने ब्रेड के स्लाइस रखे थे वो ऐड कर देंगे। और इस टाइम पे हम जो गैस है उसका फ्लेम मीडियम कर देंगे और उनको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और सेम तरीके से हम बाकी सारे जो बचे हुए ब्रेड स्लाइसेस हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे। आप घी में ही इनको फ्राई करें, घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये सारे हो गए हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। उसके लिए हम 200 ग्राम चीनी ले लेंगे और उतना ही हम उसमें पानी ऐड कर देंगे और उसमें बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा हम इसमें इलायची डाल देंगे और थोड़ा सा हम केसर के धागे डाल देंगे। और इसको ज़्यादा एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनाना है। जैसे ये थोड़ी थोड़ी हाथों पे चिपकने लग जाए इसका मतलब ये हो गई है और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं रबड़ी बनाने की तरफ। उसके लिए हम बादाम ले लेंगे। ये इनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखा था और इनके बाहर वाली परत निकाल देंगे और इसको मिक्सी में डाल देंगे। दूध ऐड कर देंगे, हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे और थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्सी में चला लेंगे। हमारा जो पेस्ट है वो अब रेडी हो गया है, इसको साइड पे रख के अब हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल देंगे और उसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। जैसे ही उसमें बॉयल आ जाएगा हम गैस को थोड़ा कम कर देंगे और जो साइड्स पे लगा है उसको हम वापस दूध में मिला देंगे और इसको जब तक ये 1/3 नहीं रह जाता तब तक इसको पकाएंगे। अब हमारे पास ये जो है वो 1/3 बचा है, तो हमने जो पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। ये पेस्ट इसको गाढ़ा करने में हेल्प करता है। और अब हम इसमें इलायची का पाउडर डाल देंगे, केसर जो हमने दूध में मिला के रखी थी वो भी डाल देंगे। अब हम इसमें 2.5 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। आप इसमें ज़्यादा चीनी ना ऐड करें क्योंकि हमें अभी इसको और पकाना है, तो ये थोड़ा और कम होगा। अब हम इसमें काजू का पेस्ट हमने बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। बस आप काजू को थोड़ा सा पीस लें और इसमें ऐड कर दें, और साथ में हमने बादाम भी थोड़े से पीस के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए और होने देंगे। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दानेदार हो गई है हमारी जो रबड़ी है। और इससे ज़्यादा इसको ना पकाएं, थोड़ी सी ये रनी होनी चाहिए,
क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए आप इसको इतना ही पकाएं। और गैस को बंद करके इसको किसी भी एक बर्तन में आप निकाल लें। अब हम चलते हैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने के प्रोसेस में। जो हमारी चाशनी है उसमें जो ब्रेड स्लाइस है उसको हम डिप करेंगे दोनों तरफ से 5 से 6 सेकंड के लिए, और उसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। सेम तरीके से हम सारी ब्रेड स्लाइस को चाशनी में डिप करके और प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब ये सारी हो गई हैं और अब हम इनके ऊपर से रबड़ी डाल देंगे इन पे। ये गरम गरम आप खाएं, गरम गरम खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसको हम थोड़ा सा काजू बादाम और केसर से गार्निश कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।